ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की जो डेट है वो है 28 अगस्त, और टाइम हो रहा है 9:45। यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है एक टर्निंग मोमेंट पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। मार्केट जो है प्रीवियस जो स्विंग लो यहाँ लगाया है उसके नीचे क्लोज करने को रेडी नहीं है, और यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट ट्राई करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने अपने स्क्रीन पे लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर डेली की टाइम फ्रेम में जा कर के निफ्टी को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 19,253 का जो लेवल है यहाँ पर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने के लिए ट्राई नहीं कर रहा है, और अपसाइड का फर्दर मूवमेंट कंटिन्यू करने को ट्राई कर रहा है। यहाँ पर जो है प्रीवियस लो है उसके नीचे मार्केट क्लोज भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो 253 का लो था उसके नीचे मार्केट क्लोज करने को रेडी नहीं है। सेम चीज़ इसमें है, जो निफ्टी बैंक है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका प्रीवियस स्विंग लो तो काफ़ी नीचे है। तो अगर मार्केट जो है इसके ऊपर निकल जाता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी में, अभी मैं दिखाता हूँ। अगर मार्केट जो है ये हाई है 44,950 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर अपसाइड का डेली में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्रूड ऑयल को अगर देख लें तो क्रूड ऑयल जो है मेजरली बाइंग ट्रेंड में है, बट मेजरली बाइंग ट्रेंड का यहाँ पर रिट्रेसमेंट चल रहा है। आज जो है मार्केट अगर ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड का मूवमेंट यहाँ भी स्टार्ट हो सकता है। तो वेट करेंगे, जो भी ट्रेड होगा ट्रेड करेंगे, सारा सेटअप लगा हुआ है। अभी मार्केट नो ट्रेड जोन में है इसीलिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। ओके गाइस, निफ्टी में हमारी कॉल साइड में एंट्रीज हो चुकी है और 6 लॉट्स में एंट्री है। यहाँ पर हमारा जो एवरेज प्राइस आया है 60.90 आया है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 49 का। तो देख लेते हैं, रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 11 पॉइंट का एसएल है, तो 3600 का हमारा एसएल है। ओके गाइस, टाइम हो रहा 11:07, और मोमेंटम कर तो रहा है मार्केट, बट मार्केट स्लोली मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर वेट करेंगे और ट्रेड को होल्ड करेंगे। ऐसे लिए टारगेट जो भी होगा मैं अपडेट करने का ट्राई करूँगा। ये उस ऑप्शन का चार्ट है जिस ऑप्शन में हम अभी पर हैं।
ओके गाइस, 69.5 पे एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है यहाँ पर। जैसे ही इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा, जैसे कि इसका हाई है 64 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए किसी कैंडल की। इसका क्लोज है 63.35, अगर क्लोज आ जाता है तो फिर एसएल ट्रेल करके 57 पर कर देंगे। ओके गाइस, हायर पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि टारगेट आना चाहिए, बट स्टिल जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं अपडेट करने का ट्राई करूँगा। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 11:30 और हम वेट करेंगे। ओके गाइस, अगर मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है तो फास्ट मोमेंटम हो जाएगा, अदरवाइज आज का मार्केट जो है साइडवेज टू बुलिश है। वेट करते हैं, कोशिश तो यही रहेगी कि टारगेट के लिए बैठा जाए, बट स्टिल जिस तरह से मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर साइडवेज एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है। SL जो रहेगा हमारा फिक्स रहेगा, 49 पर SL है तो 49 पर ही रहेगा, जो कि लगा भी हुआ है, और 1:2 टारगेट मिनिमम एक्सपेक्टेशन किया जाएगा। 11 पॉइंट का हमारा SL है। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 12:20 और प्राइस ने अगेन यह मोमेंटम स्टार्ट किया है। अब देखने वाली बात यह है कि प्राइस कंटिन्यू होता है या नहीं होता है।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं पॉज करता हूँ, जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो अपडेट किया है। ओके गाइस, प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। ओके गाइस, प्राइस टच्ड द 1:1 टारगेट। मिनिमम एक्सपेक्टेशन मार्केट में 1:2 का होता है, तो वेट करेंगे।
पे गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए वीडियो को पॉज करूँगा मैं। मोमेंटम तो कंटिन्यू होगा यहाँ से। ओके गाइस प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है थोड़ा, तो स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ 10 मिनट से।
ओके गाइस, प्राइस जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है 70 के ऊपर। यहाँ पर जो है हम अपना एसएल ट्रेल कर देंगे 56 पर, जो प्रीवियस स्विंग लो है। 56 पर हम अपना एसएल ट्रेल कर देंगे। गाइस हायर एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस को कंटिन्यू करना चाहिए, बट स्टिल हमने सेफ साइड के लिए ट्रेलिंग मेथड को यूज़ किया है। ओके गाइस, दिस फेज इज़ वेरी टफ कि जब आपके जो टारगेट्स नियर बाय हैं प्रॉफिट ड्रॉडाउन होता है, यहीं पर आपका मतलब आपकी असली परीक्षा होती है। एज अ ट्रेडर हमको बहुत डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। अगर ये प्रॉफिट का ट्रेड अगर लॉस में भी चला जाए तो हमें कोई दुख नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि हम डिसिप्लिन से चलते हैं। तो यहाँ पर वेट करेंगे, टारगेट्स नहीं आए हैं इसीलिए और वेट करेंगे। गाइस प्राइस ने स्पॉट पर हाई क्रॉस कर दिया है अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अब देखना होगा कि यहाँ पर प्राइस मूव करता है या नहीं।
तो गाइस आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। ओके गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इसको पार्ट वाइज अपलोड कर दूँगा। तो ये पार्ट वन है।